भाई जो गाड़ी ढूंढ रहे थे वो मिल गई फाइनली। ये लग रही है मुझे लेने जैसी ड्रीम कार थार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सनी थोड़ा सा फनी। गुड मॉर्निंग है सब लोग, आई होप सब आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम बोलो डिंगो 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 पोइरा। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। सोचा क्या रहता है पूरे दिन? हाँ एक काम धंधा करके आई एस वाई एस बनो, पढ़ाई करो। हाँ कुछ काम धंधा करना बॉब। EMI भरने का है अपने को, तो तू थोड़ा मेरे को देगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ चल भाई, चल निकल ले भाई, निकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा है? अच्छा है। बढ़िया बढ़िया। तबियत पानी? बढ़िया। घर कैसा लगा अपना? अच्छा, जूता बना नहीं है। बन गया है। बनेगा तब पता चलेगा। बनेगा तब एकदम हेवी वाला बंगला लगेगा। बंगला बाप मार तुझे। तू कर ले आना बे। हैं क्या कर ले? मारो मारो। हैं मारो। हम अमर ले बड़ी ले पोपा दही उतारू। हैं दो बज चुके हैं। निकल गया हूँ यहाँ से क्योंकि थोड़ा ध्यान देना पड़े ऐसा था। अभी पता नहीं कहाँ जाऊँगा क्योंकि ऑफिस पे कोई है नहीं, सब शाम को मिलने वाले हम क्योंकि परसों शूट है, तो सब डिसाइड करना है, लोकेशन ये वो सब कुछ, तो शाम को ही मिलने वाले हैं कि सबके कुछ कुछ थोड़े थोड़े काम है तो सब खत्म कर देना भाई। तो मैंने सोचा एक और काम है वो कर देते हैं। लालू को कॉल किया, लालू जा रहा था ऑफिस लेकिन मैंने उसको स्टॉप कर दिया। तो बता दें आपको कहाँ जाते हैं। सो गाइस, बजे शाम के 6 और हम निकल चुके हैं, पता नहीं हम ट्रिपली जा रहे हैं एक गाड़ी पे और फोर व्हील में आते हैं। देखो खाली देखते जाओ आप, डायरेक्ट BMW मर्सिडीज ऑडी या फिर जैगुआर। कौन सी? पोर्स। पोर्स पोर्स। तेरे पास पोर्स है? तेरा पोर्स का जिसमें पैसे रखते हैं? है ना है पोर्स में पैसे है तेरे पोर्स में? एक रुपए है ना, एक रुपए पोर्स, डायरेक्ट पोर्स। एक्चुअली में हम एक कार ढूंढ रहे हैं अच्छी खासी सेकंड में, तो देख तो उसके लिए डे वन है आज देखने का, क्योंकि हमने जो बुक की है वो कम से कम 9 महीने का वेटिंग है ना। वो देखते जाना, बहुत मजा आएगा। वो तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ बहुत टाइम लगेगा, 9 मंथ का वेटिंग है। तो सोचा अभी बारिश आएगी तो गाड़ी चाहिए ही, तो अभी के लिए एक लेनी पड़े ऐसी है एकदम सस्ती वाली जो काम चल सके। सबसे पहले आज से 3-4 साल पहले हम यहाँ पे बैठते थे जब ऑफिस वॉफिस कुछ भी नहीं था, सब आके यहाँ पे बैठते थे रोज रात को, मीटिंग करते थे। उसके बाद वो हमारा प्लेस बदल के यहाँ गया, यहाँ पे ये रोड पे आएगा और उसके बाद डायरेक्ट ऑपोजिट हड़ाजन। ऐसी कुछ हमारी जर्नी थी। देख रोहित शर्मा हंस रहा है अपने पे। हंसते क्या भाई, तू कितना क्यों चिल्ला रहा है, मेरे को डरा देता है। अरे वो कितने जोर से आया भाई, अरे वो आ ही रहा है। उसकी बीवी ने इंस्टा आईडी खोल ली उसकी। बहुत गाड़ियां है भाई इधर, सब एक एक ले लेते हैं। भाई हमको छोटी सी गाड़ी चाहिए लेकिन अभी बड़ी की आदत पड़ गई है तो छोटी जम नहीं रही। लेकिन क्या करे, थोड़े टाइम के लिए चलानी है तो देखते हैं क्या कौन सी क्या मिल पाती है। देव इको ले ले, स्कूल की वर्दी भी मारेंगे भाई। अपनी किया कार्निवल किधर है भाई? जो गाड़ी ढूंढ रहे थे वो मिल गई फाइनली। ये लग रही है मुझे लेने जैसी ड्रीम कार थार। थार या मर्सिडीज भाई? क्या थार या मर्सिडीज? मर्सिडीज ले लेते हैं। मर्सिडीज ले लेते हैं। तू कितना दे रहा है? मेरे साइकिल लेते हैं। साइकिल ले लेते हैं। साइकिल नहीं लेना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको गाड़ी नहीं देते हैं, एक एक बाइक सबको, एक एक बाइक इनोवा हो रही भाई। मर्सिडीज अच्छी है भाई, लेकिन अभी क्या थोड़े महीने के लिए कर सकते हैं। वैसे तो मर्सिडीज i20 अच्छी है, कितना क्या बोलते हैं, क्या अच्छी है भाई, चलने में बहुत अच्छी। ये अच्छी लग रही है मेरे को। बेस्ट गाड़ी मिल गई थी, फाइनल करते करते फाइनल करते ना पूरा। एक नंबर डिजाइन देखो, इसका टेक्सचर देखो, मेरा BMW है वापिस वही।
बहुत बहुत जबरदस्त डिजाइन किया है इसको भाई, कस्टमाइज्ड है, एकदम कस्टमाइज्ड है भाई। यहाँ भी आप जे लाओ आंटी, देखो इसको बोला घर पे खाना तो नहीं खा रहा, बोल रहा है कि इधर ही खाऊंगा, बाहर पानी पूरी खा लेता हूँ। उर्वी ला रहा है, उसके आते हैं ना सब खड़े हो जाना, चलो चलो करें। हो गया भाई इसके, तो हो गया इसके लिए। वैसे भी वही है हमारा खाना। आया आया उर्वी, लाया आई क्या, चलो उर्वी मेरी टी शर्ट में अच्छा लग रहा है। वो तेरी टी शर्ट पहनना अच्छी लगती नहीं मेरे भाई। एनी टाइम कल किसका शर्ट पहना था लालू, कल किसने पहना पहला क्वेश्चन है कि भाई IPL देख रहे नहीं गए आप? देखो लास्ट टाइम मैं स्टार स्पोर्ट्स के साथ वर्क कर रहा था और मेरे रील्स जो थे वो टीवी पे दिखाई दे रहे थे IPL के मैच के दौरान, जब ब्रेक आता था तब है अभी मेरे पास वो कटआउट, प्राउड मोमेंट था। और लास्ट टाइम मैंने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बहुत सारा वर्क किया, मतलब उनके स्टूडियो भी उन्होंने बुलाया था, बहुत सारी चीज़ें, तब डेली व्लॉग भी चलता था यार। तो इस बार भी मुझे उनसे इस साइड से ऑफर आया, लेकिन जो ऑफर आया है उसमें मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है, तो मैंने इस बार उनको ना बोल दिया है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो उसके कारण इस बार हम IPL की कोई मैचेस वगैरह देखने नहीं जा पाए हैं, मतलब जा पाए मतलब पैसे से खरीद के, वो मैं तो उतना भी वो क्रिकेट स्टेडियम का फैन नहीं हूँ कि पैसे खरीद के जाओ। लास्ट टाइम स्टार स्पोर्ट्स के साथ वर्क कर रहे थे, दैट्स वाई उन्होंने हमें बहुत सारी मैचेस प्रोवाइड की थी, फाइनल भी देखने गया था, लेकिन बारिश गिर गई थी, फिर शूट के कारण मैं दूसरे दिन नहीं जा पाया, मैं नहीं गया था, शूट था इधर, शूट के आगे अपने पास खुद थी। तो अभी देखते हैं, कुछ इस टाइम भी कुछ था कुछ तो होगा ही, तो अभी टाइम है IPL को, तो जाएंगे आपको दिखाएंगे ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। मैंने लास्ट टाइम के ब्लॉग तो डाले हुए। नेक्स्ट QR है गोवा ऑन, जी हाँ बहुत लोगों ने सही गैस कर लिया है, तो यस जा ही रहे, गोवा ही जा रहे हैं, और इस बार हम सिर्फ घूमने नहीं, घूमने प्लस शूट करने जा रहे, तो इसलिए हमारा थोड़ा स्केड्यूल लंबा है, 6-7 दिन का, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। जिस तरीके का शूट कॉन्सेप्ट हमने सोचा है, कमी ने फ्रेंड्स गुजराती में हम वेब सीरीज बना दी, वो चैनल पे आएगा, बहुत मज़ा आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सही क्वेश्चन है, सरी भाई आप IPL में कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? देखो भाई मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात मेरा सपोर्ट सिस्टम था, लास्ट टाइम भी मैं स्टार स्पोर्ट्स की ओर से गुजरात को सपोर्ट कर रहा था, लास्ट टाइम मैं जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा था वो स्टार स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट कर रहा, मैं दिल से, तो चेन्नई ही है अपना भाई, चेन्नई ही दिल से। और जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो हम एज ए क्रिएटर हम अलग अलग टीम पे अलग अलग मैचेस पे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो मैं RCB पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो कुछ लोग ने कमेंट किया है कि आप RCB के उसमें आ गए, अरे ऐसा नहीं होता, हम कंटेंट क्रिएटर है, हमको लगता है कि इस पे कंटेंट बने ऐसा है, तो मैंने RCB पे बना दिया, और वो आप देख भी सकते हो उसका रिजल्ट 2 मिलियन चला गया, मतलब 3-4 दिन में, और कहाँ कहाँ कितने कितने बड़े बड़े लोगों ने लाइक किया है, मैं बता भी नहीं सकता, इतने बड़े बड़े लोगों ने वो लाइक किया है, प्लस बहुत सारे पेजेस पे वो रीशेयर हुआ है, अपलोड हुआ है, तो ऐसा रहता है, मतलब मेरा सपोर्ट सिस्टम जस्ट चेन्नई ही है दिल से एकदम, जस्ट बिकॉज ऑफ धोनी चले जाएंगे तो फिर चेन्नई से सपोर्ट हट जाएगा अपना, और गुजरात में रहते हैं तो गुजरात तो रहने ही वाला है, तो इस तरीके से ये दो टीम है, अगर चेन्नई नहीं खेल रहा है तब गुजरात सपोर्ट है, बाकी चेन्नई ही है। एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो उसका आंसर देना चाहूँगा कि फेस रिवील कब करोगे? तो भाई देखो फेस रिवील की डेट मैंने सोच ली है, वो डेट मैं चाहता हूँ कि मैं और आपकी भाभी साथ में मिलके बताएं, और वो डेट कुछ स्पेशल है वो डेट पे, तो तभी मैंने वहाँ उस डेट पे रखा है, और फेस रिवील जिस तरीके से होने वाला है वो भी मैं जब आपको डेट बताऊँगा तभी बता दूँ, या फिर सरप्राइज रखूँ। देखो सरप्राइज रखने में मेरे को मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आपको सरप्राइज मिलता है, आपके लिए करता हूँ जो मैं हाइप क्रिएट करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ, तो आपके लिए होता है बहुत मज़ा आता है उसमें आपको, तो जैसे तुरंत सादा सिंपल बता दूँ मज़ा नहीं आएगा। सो मैं आपकी भाभी को इस मंथ में मिलने तो जाऊँगा क्योंकि भाई एक मंथ ऊपर हो चुका है, तो तभी मैं आपको डेट अनाउंस कर दूंगा कि फेस रिवील कब होने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखो, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा ऐसे आपको वेट करवाने में, लेकिन मैंने जिस तरीके से सोचा है उस तरीके से मुझे करने दो, मुझे पता है बहुत लेट है लेकिन मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा आएगा। बहुत लोगों ने पूछा है कि पॉडकास्ट कब आएगा, देखो हमने मंडे बोला था लेकिन रोहित की तबीयत खराब हो गई एडिटर की, सो उसके कारण डिले हो गया, और मैं मेरे घर के काम में भी उलझा हुआ था तो मैं भी एडिट पे नहीं बैठ पाया, प्लस स्क्रिप्टिंग तो हमारी अलग ही चल रही है, तो आज रोहित आ जाएगा शायद, तो उस हिसाब से हम फटाफट से आपको सामने भेजेंगे पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट जो है बस कुछ नहीं है इसके अंदर, बस बहुत सारी धमाल मस्ती, कुछ सीरियस बातें भी है, बहुत मज़ा आएगा। उसकी लिंक मैं फिर से ये ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ,
जाओ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें तुम्हारी माता जी की कसम है। हाँ, सो इसी के साथ आई होप कि आपको सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उसके आंसर मिले होंगे। मिले तो लाइक से कमेंट सब्सक्राइब किया, मत जाना, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अगर यू टेक केयर। और हाँ, गाड़ी देखना हम गए थे लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ नया सोचा है, तो देखते हैं कौन सी फाइनल करते हैं। अभी थोड़े टाइम के लिए लेनी है, तो बाकी मिलता है नए ब्लॉग के साथ। बाय।